بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون یہ سورہ حامیم السجدہ کی 19 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اور جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو یعنی دین کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جاوے گا, پھر ان کی ٹولیاں بنائی جائے گی. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب وہ لوگ جمع ہو کر اس آگ کے قریب پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے, ان کے خلاف جو کام وہ لوگ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اور وہ دین کے دشمن اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی, تو وہ کھالے کہے گی ہم کو تو صلی اللہ تعالیٰ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا, اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو واپس لے جایا جائے گا. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن تَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سمعكم ولا أبصاركم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. اور تم لوگ گناہ کرتے وقت
इस बात से तो किसी तरह छुप यानी बच ही नहीं सकते थे कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। लेकिन तुमने तो ये समझ रखा था कि तुम्हारे बहुत सारे आमाल की अल्लाह ताला को खबर ही नहीं है। وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ। और अपने रब के बारे में तुम्हारा यही तो ख्याल था जो तुम रखते थे, जिसने तुमको बर्बाद कर दिया, जिसके नतीजे में तुम लोग नुकसान में पड़ करके रह गए। ये कयामत के दिन का अजीबोगरीब मंजर आयत करीमा के अंदर बयान किया गया। पहली बात समझो, कयामत के दिन मुजरिमों की, गुनहगारों की अलग अलग जमात होगी गुनाहों के एतबार से। यानी जैसे जैसे गुनाह, उस गुनाह के एतबार से मुजरिमों की अलग अलग जमात होगी। और ये सब जमातों को एक दूसरे के इंतजार में जहन्नम के करीब रोक दिया जाएगा। जहन्नम में जाने वाले ये मुजरिम लोग, ये पापी लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर होंगे। अब जब कयामत के मैदान में इनको जमा करने का वक्त आएगा, या जहन्नम के अंदर डालने का वक्त आएगा, तो उस वक्त बड़ी भीड़भाड़ होगी, क्योंकि काफिर मुजरिम जहन्नमी बहुत बड़ी तादाद में होंगे। तो आपस में भीड़भाड़ धक्का मुक्की से बचने के लिए आगे वालों को रोक लिया जाएगा। और तरतीब से उनको जहन्नम की आग के अंदर फेंका जाएगा। तो जब किसी मजमे की तादाद बहुत बड़ी होती है, तो उस तादाद को धक्का मुक्की भीड़ भाड़ से बचने के लिए उनकी जमातें बनाई जाती है, टोलियां बनाई जाती है। जमात और टोलियां बनाने की बरकत से भीड़ भाड़ नहीं होती। जैसे कुरान में हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के किस्से में भी इसी तरह की बात आई है कि सुलेमान अलैहि सलाम का लश्कर बहुत बड़ा था, तो बड़ा लश्कर आपस में भीड़ भाड़ धक्का मुक्की न हो जावे, इसीलिए वो लश्कर की तरतीब बनाई जाती थी, जमातें बनाई जाती थी। तो कयामत के दिन जहन्नम में जाने वाले बहुत बड़ी तादाद में होंगे, नऊज़ुबिल्ला, तो उन लोगों को तरतीब के साथ जहन्नम की आग के अंदर भेजा जाएगा। आगे वालों को रोक करके जमाते बनेगी, पीछे वाले आ जाएंगे, सब इकट्ठे और जमा हो जाएंगे, फिर इनको कयामत के मैदान में लाया जाएगा, जहन्नम के अंदर भेजा जाएगा।
कयामत के दिन किसी भी इंसान का कोई जुर्म, कोई गुनाह छुप नहीं सकेगा। हर एक का हर गुनाह कयामत के मैदान के अंदर जाहिर हो जाएगा। आज इंसान दुनिया के अंदर कोई गुनाह छुप के करना चाहे तो दूसरे इंसानों की नजरों से छुप सकता है। कोई इंसान ये तय कर ले रहे गुनाह करना है, किसी को नजर नहीं आना चाहिए, छुप के करना है, तो किसी रूम में चला जावे, छुप के गुनाह करे, जंगल में खेती बाड़ी में चला जावे, छुप के गुनाह करे। तो दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान की नजर से छुप सकता है और छुप के गुनाह कर सकता है, लेकिन इंसान अपने बदन के आज़ा, हाथ पैर वगैरह से बिल्कुल नहीं छुप सकता। ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो बदन है, बदन के अंदर जो आज़ा है, ये सब सरकारी गवाह है। ये भी कयामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार के अंदर गवाही देंगे। इस वक्त पर ये हाथ, ये पैर, ये पूरी बॉडी, ये पूरा बदन हमको खामोश नजर आ रहे हैं, चुपचाप नजर आ रहे हैं, लेकिन कयामत के दिन इन सब को जबान मिलेगी, ये सब बोलेंगे। और अल्लाह के दरबार के अंदर गवाही देने के लिए ये लोग तैयार हो जाएंगे। अब सोचो, दुनिया में कोई इंसान है ऐसा जो अपने बदन के आज़ा, अपनी बॉडी के आज़ा से छुप सके? जहां भी जाएगा बदन साथ होगा, बॉडी साथ होगी, जिस्म साथ होगा, और अपनी बॉडी के सामने उसको गुनाह करना पड़ेगा। एक अजीब हदीस सुनिए, हजरत अनस रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों को मालूम है मैं किस बात पे हंस रहा हूं? सहाबाए किराम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह के रसूल जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जो हंसी आई, किस बात पे हंसी आई ध्यान से सुनो, कयामत के मैदान में हिसाब किताब के वक्त पर बंदा अपने रब से जो बात करेगा, उस बात की वजह से मुझे हंसी आ गई। बंदा अर्ज करेगा, ए मेरे रब, क्या आपने मुझे जुल्म से बचा के नहीं रखा? आपका वादा है ना, वमा अना बिज़ल्लामिल लिलआबीद, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाएंगे, यकीनन पक्की बात, मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। तो बंदा कहेगा, अभी मेरा हिसाब किताब शुरू होने जा रहा है, तो किसी की गवाही पर मुझे इत्मीनान और भरोसा नहीं है, किसी की गवाही पर भरोसा नहीं। हां, मेरे बदन में से, मेरी बॉडी में से कोई गवाह हो तो उस पर भरोसा होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, खुद तो अपना हिसाब कर लेना। अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे, मुंह बंद, ताला। फिर अल्लाह ताला उसकी बॉडी को कहेंगे, हाथ को, पैर को, कान को, नाक को, आंख को, बोलो, पूरा बदन बोलेगा।
कान से जो हराम चीजें सुनी कान गवाही देकर बोलेंगे, ये चीज इसने सुनी थी। आंख बोलेगी कि मेरे जरिए से ये गलत गलत चीजें देखी थी। हाथ बोलेंगे मेरे जरिए से ये गलत गलत काम किए थे। पैर बोलेंगे मेरे जरिए से ये गलत गलत जगह चल के जाता था। पूरा बदन, पूरी बॉडी, एक एक चीज बोलेगी अल्लाह के दरबार में। सब गवाही दे देंगे, इसने क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया, क्या गुनाह किया। उसके बाद मुंह के ऊपर से मोहर खोल दी जाएगी और जबान बोलना शुरू करेगी। तो जबान पूरे बदन के आजा के ऊपर, बॉडी के अंग के ऊपर नाराज हो जाएगी और कहेगी, बौदल कुन्न व सुह कन फान कुन्न उनादिल, तुम बर्बाद हो, मैंने दुनिया में जो कुछ किया था तुमको आराम पहुंचाने के लिए किया था। इंसान जो गुनाह करता है अपनी बॉडी के मजे के लिए करता है, बॉडी के फायदे के लिए करता है, और आज कयामत के दिन तुम मेरे खिलाफ गवाही देने लगे। तो याद रखो, कयामत के दिन इंसान की बॉडी और बदन में से हर हर हिस्सा गवाही देगा। एक और हदीस में आया, कयामत के दिन इंसान के मुंह को बंद कर दिया जाएगा, लॉक मोर, और उसकी जबान को अल्लाह ताला कहेंगे कि तू बोल, रान को रान, ये जांग है ना जांग, रान, उसको अल्लाह ताला फरमाएंगे तू बोल। तो इंसान की रान, इंसान की जांग, गोश्त, हड्डी, सब के सब उसके आमाल की गवाही देंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, हर आने वाला दिन इंसान को आवाज देता है। क्या आवाज देता है? मैं नया दिन हूं, मैं नया दिन हूं, जो कुछ तुम मेरे अंदर अमल करोगे कयामत में मैं उस पर गवाही दूंगा। इसीलिए इंसान तुझे चाहिए कि मेरे खत्म होने से पहले कोई नेकी करे कि मैं उस नेकी की गवाही कयामत के दिन दूं, और अगर मैं चला गया तो फिर तू मुझे कभी नहीं पाएगा। इसी तरह हर रात भी इंसान को आवाज लगाती है, तो हर दिन इंसान को आवाज लगाता है कि आज मैं नया दिन आ गया, कोई नेकी का काम कर ले ताकि वो दिन कयामत के दिन अल्लाह के सामने गवाही देवे कि भाई आज जुमेरात थी, आज बुधवार था, आज सोमवार था, आज जुम्मा थी, इसने ये नेक काम किया था। हर रात आवाज लगाती है कुछ न कुछ नेक काम कर लो, ये आवाज लगाते हैं ताकि वो रात कयामत के दिन अल्लाह के दरबार के अंदर गवाही देवे। गनीमत समझो अपनी जिंदगी को, हर दिन को, हर रात को गनीमत समझो, अल्लाह की नेमत समझो और नेक आमाल करने वाले बनो। हदीस में आता है कि मक्का में तीन आदमी जमा हुए, कुरैश खानदान के और कबीले बनू सकीफ के तीन आदमी थे। दो इसमें से होंगे, एक इसमें से होगा, या दो इसमें के एक इसमें का, तीन जमा हुए कबीले सकीफ के और कुरैश के। तीनों के पेट मोटे थे, ऊंचे ऊंचे पेट वाले, पेट के ऊपर चर्बी जमी हुई थी, समझ इनकी कम थी। एक बोला, तुमको मालूम है कि अल्लाह हमारी बात सुनते हैं। दूसरा बोला, हम चिल्ला के जोर से बोलेंगे ने तो अल्लाह सुनते हैं, चुपके चुपके बात को अल्लाह नहीं सुनते। तीसरा बोला, अगर वो अल्लाह चिल्ला कर बात करने को सुनते हैं तो चुपके चुपके की बात भी जरूर सुनेंगे। ये तीन आदमी कौन थे?
अब्दयालील, रबिया, सफवान इब्ने उमैया, ये सब मक्का के बड़े लोग थे। अल्लाह ताला ने इनकी बात कुरान मजीद के अंदर नकल फरमा दी। तो याद रखो, कयामत के दिन इंसान का पूरा बदन अल्लाह के सामने गवाही देगा। ये बॉडी है ना, ये बदन जिस्म अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह की अमानत भी है। हम अपनी बॉडी को अपनी मर्जी से जैसे चाहे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बॉडी को, बदन को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर इन बदन के आज़ा को हराम काम में लगाया, गलत काम में लगाया, नाजायज काम में लगाया, तो ये कयामत के दिन अल्लाह के दरबार के अंदर गवाही देंगे। और आदमी क्या कहेगा, वकालू लिजुलूदिहिम लिमशहिदतुम अलैना, तुमने हमारे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही क्यों दी, तुम साक्षी बन गए हमारे खिलाफ। तो ये बॉडी, बदन, उसके आजा, उसके अंग, उसके अवयव, पार्ट्स बोलेंगे, कालू अंतकन अल्लाह अल्लदी अंतक कुल शय, जिस अल्लाह ने हर चीज को बुलवाया उस अल्लाह ने हमको बुलवाया, जिस अल्लाह ने इंसान को जबान दी वो अल्लाह पूरी बॉडी को बुलवाएंगे कयामत के दिन, पूरी बॉडी बोलेगी। जिस अल्लाह ने चिड़िया को चीची करने की ताकत दी वो अल्लाह कयामत के दिन इंसान की बॉडी को बोलने की ताकत देंगे। जिस अल्लाह ने मोर को प्यारी प्यारी आवाज लगाने की ताकत दी वो अल्लाह कयामत के दिन इंसान की बॉडी को बोलने की ताकत देंगे। जिस अल्लाह ने शेर को चिंगारने की ताकत दी वो अल्लाह कयामत के दिन इंसान की बॉडी को बोलने की ताकत देंगे। जिस अल्लाह ने बादल में से गरजने की आवाज दी वो अल्लाह ताला कयामत के दिन इंसान की बॉडी के हर हर उज्व को बोलने की ताकत देंगे। जिस अल्लाह ने पानी को खड़ 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 बहते हुए पानी में से आवाज निकाली वो अल्लाह ताला कयामत के दिन इंसान की बॉडी को बोलने की ताकत देंगे। हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, कान बोलेंगे, आंख बोलेगी, पूरी बॉडी बोलेगी, और जो काम किए वो अल्लाह के सामने गवाही देंगे। वहुवा खलकाकुम अव्वल मर्रा, इस जगत में इंसान को पहली मर्तबा अल्लाह ने पैदा किया है। व इलैही तुरजऊन, उसी अल्लाह के दरबार के अंदर तुमको लौट करके जाना है। अरे इंसानों, दुनिया में जब गुनाह के काम करते थे लोगों से छुप जाते थे, जंगल में चले जाते थे, बीच पे चले जाते थे, होटलों के रूम में चले जाते थे, प्राइवेट रूम में जाकर के गलत काम करते थे, लेकिन कभी अपनी बॉडी से भी तुम छुपे, अपने बदन से भी छुपे। वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। सुभान अल्लाह, तुम छुप ही नहीं सकते थे, तुम्हारे कान से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी चमड़ी से, वो सब तो तुम्हारे हर हर गुनाह को देख रहे थे। सुभान अल्लाह, बल्कि तुम लोग तो इतने नादान थे कि अल्लाह के लिए क्या सोचते थे। वलाकिन ज़नन्तुम अन अल्लाह ला यालमु कतीरन मिम्मा तअमलून। तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारा जीवन गुजारने का तरीका, तुम्हारा तर्ज हयात ऐसा जाहिर होता था कि तुम ये समझते थे कि अल्लाह को भी हमारे अमाल की खबर नहीं है। दुनिया में जब तुम गलत काम करते थे, दुनिया में जब तुम बुरे काम करते थे, तुम क्या सोचते थे कि अल्लाह को भी हमारे बुरे कामों की खबर नहीं है, अल्लाह भी हमारे बुरे काम को देखते
नहीं है। दुनिया में तो तुम लोग ऐसा समझते थे। सुभान अल्लाह, इंसान कितना नादान है, कितनी गलत सोच ये इंसान सोचता है, जरा अंदाजा लगाओ। दुनिया में तुम्हारा ख्याल, गुमान, विचार ऐसा था कि अल्लाह को भी तुम्हारे आमाल की खबर नहीं है, बहुत से आमाल की, और तुम्हारी इसी ख्याल ने तुमको बर्बाद कर दिया। तुमने कुफ्र किया, तुमने हराम काम किए, तुमने नाजायज काम किए, तुमने ये समझा कि अल्लाह को हमारे आमाल की खबर नहीं, इसीलिए तुमने ये बुरे काम किए। आज तुम्हारे लिए वही आमाल बर्बादी का और जहन्नम के अंदर ले जाने का जरिया बन गए। इसीलिए इन आयतों की रोशनी में एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, इस दुनिया में इंसान जो काम भी करता है अल्लाह को खबर है, इंसान जो बात बोलता है अल्लाह को खबर है, इंसान जो चीज लिखता है अल्लाह को खबर है। चाहे छुप के बोले, चाहे छुप के लिखे, चाहे छुप के कोई काम करे, अल्लाह को सब खबर है। और अल्लाह के फरिश्ते भी लिखते हैं, और इंसान की बॉडी भी सब कुछ देख रही है, और कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने वो सब गवाही देंगे। इसीलिए गुनाह का एक ही इलाज छोड़ दो। बहुत से ताल्लुक वाले कहते हैं कि गुनाह हो जाता है, गुनाह हो जाता है, क्या करें। भाई गुनाह का एक ही इलाज छोड़ दो। तुम कहते हो ना ये खाना पसंद नहीं है, तो उसका इलाज किया, खाना छोड़ दो। ये खाना मुझे जो है चलता नहीं है, तो खाना छोड़ दो। ये खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, तो खाना छोड़ दो। तो गुनाह का भी एक ही इलाज, गुनाह छोड़ दो। बस सीधी सादी बात, जो गुनाह है, जो नाजायज है, जो हराम है, उसका एक ही इलाज कि बंदा अल्लाह से डर करके गुनाहों को छोड़ देवे। बाकी दुनिया में, जगत में कोई जगह ऐसी नहीं है कि वहां इंसान जाकर के छुप करके कोई गुनाह कर सके। कोई जगह ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, इस जगत में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जाकर के इंसान छुप करके कोई गुनाह कर सके, ऐसी कोई जगह नहीं है। आज इंसानों ने क्या सोचा कि हमारे गुनाह अल्लाह को खबर नहीं, इसलिए इंसान गुनाह करते हैं। बस इसी ख्याल ने इंसान को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। और ईमान वालों को तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया वो बात होके रहेगी, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी वो बात होके रहेगी। कुरान हदीस में क्या आया कि इंसान का बदन जो इस वक्त खामोश है, चुपचाप है, वो कयामत के दिन बोलेगा। इसीलिए हमारा ईमान है कि ये पूरी बॉडी बोलेगी, बॉडी का हर हर हिस्सा बोलेगा, बदन का हर हर हिस्सा अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी हमारे किए हुए कामों को बतलाएंगे, बयान करेंगे, गवाही देंगे। इसके ऊपर ईमान रखो भाई, और अपने आप को गुनाह के चक्करों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाहुम्मा बाईद बैनी व बैन खताया या कमा बाअत बैन अल मशरिकी वल मगरिब। अल्लाहुम्मा जन्निबनल फवाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन,
अल्लाह हर तरह के हराम से, हर तरह के गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाओ। बचने की कोशिश भी करो और दुआ भी करो। अल्लाह हर तरह के हराम से, हर तरह की नाजायज और गुनाह की चीजों से मेरी आपकी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।